हजारों महफिल हैं, लाखों मेले हैं, हजारों महफिल हैं, लाखों मेले हैं, पर जहां तुम नहीं हो वहां हम अकेले हैं। इन्हीं खूबसूरत लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता, मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं और इससे पहले इसकी 4 या 5 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप उनको जाके देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फायदा पहुंचेगा और अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वहां से नोट करिए। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसमें आपको एक अलग विजन देंगे। हमने आपको कहा था कि मैं आपको एक अलग विजन दूंगा। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे, हर क्वेश्चन में आप फ्रैक्शन लेंगे या परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पहले पॉज करिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ऐसे मत देखिए वैसे लेट के मूवी की तरह देख रहे हैं। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन क्या है, ए 32 दिनों में काम को पूरा कर सकता है और बी 36 दिनों में काम को पूरा कर सकता है और सी 46 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 32 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 36 एंड सी विल कैन डू द वर्क इन 46 डेज। बात क्लियर हो पाई है? ठीक है, यदि ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं, अगर ये तीनों मिलकर काम शुरू करते हो और 8 दिन के बाद ए काम को छोड़ देता है और उसके 1 दिन के बाद बी छोड़ देता है, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको सॉल्व भी किए होंगे। देखिए, बात को ध्यान से समझिए। मैंने आपको समझाया था और मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं कि यार, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना हर जगह जरूरी नहीं होता है। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि यार ए 32 दिन में काम को कर सकता है। अगर 32 दिन में काम को करता है तो मैं आपसे पूछूं एक दिन का काम कितना होगा, तो आप कहेंगे 1/32। अगर मैं आपसे पूछूं 2 दिन का काम कितना होगा, तो 2/32। बात क्लियर है? यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 दिन में कितना काम करेगा, 1/16। अगर मैं कहता हूं कि कोई काम 32 दिन में करता है, कोई भी व्यक्ति अगर 32 दिन में काम करता होगा मेरे भाई, तो बताओ यार 16 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 1/2, यानी कि 16 दिन में कितना काम करेगा, तो आधा। अरे मेरी बात क्लियर हो पाई है कि नहीं? चलो ध्यान दो कि अगर कोई काम ए 32 दिन में पूरा कर सकता है और 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है मेरे भाई, तो मैं कह सकता हूं कि इसने 1/4 काम को कंप्लीट कर लिया है, यानी ए कंप्लीट द 1/4 वर्क। एनी डाउट? नो। और जब ए ने काम छोड़ा है उसके 1 दिन के बाद, आफ्टर 1 डेज बी कैन लीव द वर्क, बी भी काम को छोड़ देता है। इसका मतलब बी कितने दिन काम किया बताओ? ए ने 8 दिन काम करके छोड़ा है और इसके 1 दिन के बाद, यानी कि जब ए छोड़ा उसके 1 दिन के बाद, यानी कि बी ने 9 दिन काम किया और ये कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में। इसका मतलब 1/4 काम ये भी किया। अरे कोई डाउट है? नहीं है। तो अगर 1/4 ये काम किया, 1/4 काम ये भी कर लिया, तो 1/2 काम तो हो गया। अरे 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। ये भी तो हम कह सकते हैं 1/4 मतलब 25%, और ये भी हो गया 25%। यानी कि 25% काम ए करके गया है और 25% काम बी करके गया है। इसका मतलब 50% काम कौन करेगा? तो 50% काम मेरे भाई सी किया होगा। बात क्लियर है? और सी कितने दिन में करता? 46 दिन में, 46 दिन में। इसका मतलब 50% कितने दिन में करेगा? तो 23 दिन में, आधे दिन में। अगर 46 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो 23 दिन में आधा काम करेगा, और उसने काम को साथ साथ स्टार्ट किया है, ए बी के साथ एक साथ स्टार्ट किया है, तो 9 दिन तक तो काम कर लिया, तो कितने दिन और काम करेगा? 14 दिन। बात क्लियर है? यानी कि सी जो बचे हुए काम को 14 दिन में कंप्लीट कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। मेरे एक टेक्निकल टीम है, इनकी गर्लफ्रेंड से इनकी बेवफाई हो गई, कह रहे हमारी गर्लफ्रेंड ने हमको छोड़ दिया। अरे भैया, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको छोड़ दिया तो काहे लिए परेशान हो, गर्लफ्रेंड फिर आ जाएगी। बात समझ रहे हो? चलो, बात क्लियर हो पाई? समझ में आया कि नहीं? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों ने क्या किया? काम को एक साथ स्टार्ट किया है।
इन्हें 8 दिन काम किया, एक बटा चार काम किया, और बी ने 1 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब इसने 9 काम किया, तो इसने कितना किया होगा, इसने भी 1/4 काम किया होगा, तो 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2, और ये भी 1/2 काम कितने दिन में करेगा, तो 46 दिन में करता पूरा काम, 46 दिन में कितना करता है पूरा काम, यानी कि होल वर्क, और 9 दिन तक तो इसने 7 काम कर लिया है, जो सी है वो 9 दिन तक तो काम किया है ना, क्योंकि काम 7 स्टार्ट हो रहा है, तो 46 दिन में पूरा काम करता तो 23 दिन में 50% काम कर लेगा, और 9 दिन तक तो काम कर ही लिया, इसका मतलब इसको मात्र 14 दिन में ये बाकी के काम को पूरा कर लेगा, ठीक है, अरे समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये सवाल आपका कैट में पूछा गया था, कैट 2018 के पेपर में पूछा गया था, आसान सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीपीओ 2017 में सवाल पूछा गया था, बहुत अच्छा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो ऐसा करिए कि पॉज किया करिए पहले और खुद सॉल्व किया करिए, और सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तब आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए दिया है, एक किसी कार्य के 1/3 को 15 दिन में कर सकता है, यानी ए जो है किसी काम के 1/3 को 15 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम के 75% भाग को 18 दिन में करता है, यानी 75% का मतलब 3/4, और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, ध्यान दीजिए यार, मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहता हूं कि आप 1/2 काम 1/2 वर्क आप 10 दिन में अगर कंप्लीट करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई तो करते हैं, यानी अगर मैं पूछूं आपसे एक काम कितने दिन में आप करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/1 से, अरे यही तो बात है, कुछ और है, यही बात है, है कि नहीं है। सवाल दिया है ए जो है 1/3 काम, यानी कि ए 1/3 काम को 15 दिन में करता है, 1/3 काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 से, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा, इसका मतलब अगर ए को करना हो तो पूरा काम 45 दिन में कर पाएगा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टूडेंट को इतनी सी बात में अगर कोई डाउट हो तो बताइए, 1/3 काम 15 दिन में तो पूरा काम 45 दिन में। आगे दिया हुआ है बी उसी काम के 75% को, तो भाई बी जो है उस काम के 75% को, तो 75% का मतलब क्या होता है, 75% का मतलब बताइए 3/4 ही तो होता है, और कितने दिन में करता है 75% काम को, 18 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 18 को ये 4/3 से गुणा कर देंगे, ये पलट के गुणा हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 24 दिन में। अगर यही काम बी को करना हो तो कितने दिन में, 24 दिन में, और सी उसी काम को 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यानी अब सवाल कुछ ऐसा हो गया कि ए अगर करे तो 45 दिन में, बी अगर अकेला करे तो 24 दिन में, और सी अकेला करे तो 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को, इतनी सी बात में किसी को डाउट तो नहीं है। अब यहां आपको लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेने का मैंने आपको तरीका सिखाया है, अरे नहीं सिखाया है, बोल तो दो, हाँ देखिए मैंने कहा कि जो नंबर आपके लिए आसान हो आप उनका एलसीएम पहले लीजिए, जैसे 24 और 36 का एलसीएम आप ले सकते हैं 72, कितना हो जाएगा 72, तो आपने 24 और 36 का एलसीएम लिया 72, अब 45 को साथ में लेना है, तो आप हमें बताइए 45 का एक ऐसा बड़ा से बड़ा फैक्टर करिए, इसका एक ऐसे बड़े से बड़ा फैक्टर करिए जो इसका एक पार्ट इसमें शामिल हो और एक पार्ट शामिल ना हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको 9/72, ऐसा फैक्टर हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि 9 वाला पार्ट इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि 9/72 होता है, सॉरी ये 5 होगा ना, 45 का हमने फैक्टर क्या किया, 9/5 45, तो 9 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, 5 को भी अगर हम यहां उठा के गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 72/5 360, तो भैया इसका एलसीएम हो जाएगा 360। मैंने आपको कहा है कि जब मैं आपको एलसीएम पढ़ा दूंगा तो आप गोली की तरह निकालेंगे एलसीएम, उसके लिए परेशान नहीं होना है। चलिए तो एक एफिशिएंसी कितना हो जाएगी, 45 × 90 8 हो जाएगी, और बी की कितनी हो जाएगी 24 × 24 = 12 = 120 = 24 = 25 = 120, और इसकी कितनी हो जाएगी 10, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 8 है और बी की एफिशिएंसी 15 है और सी की एफिशिएंसी 10 है, बात क्लियर है, ठीक है।
ए और बी ने सॉरी बी और सी ने काम को एक साथ स्टार्ट किया है, बी और सी एक साथ अगर स्टार्ट करेंगे तो कितना काम होगा, तो 15, 10, 25 काम होगा, किसी को डाउट नहीं है। तो भैया बी और सी ने जब एक साथ काम को स्टार्ट किया मेरे भाई, तो 25 काम होगा, और इन्होंने 8 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया है इन्होंने भैया? 8 दिन तक काम किया है, तो इसका मतलब कितना काम कर दिया? 200 काम तो इन्होंने कर दिया। अगर 360 में बताओ 200 काम इन्होंने कर दिया तो कितना काम बचा? 160। और इस 160 काम को ए कितने दिन में करेगा? तो एक इफिशियंसी 8, इसका मतलब इसको कितना दिन लगेगा? 20 दिन। कोई डाउट? नहीं डाउट। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतना तो आप कम कर सकते हैं ना हमारे लिए। चलिए, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने ये भी कहा कि मैं पूरी मैथमेटिक्स और आपको सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे फ्री में मिल रहे हैं, तो आप इतना तो काम हमारे लिए कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है? इसमें आपका कुछ लॉस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है? ए कैन 40% ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम का 40% कार्य 12 दिन में करता है और बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिन में करता है। दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उस काम का 28% काम कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने कहा है कि आप जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ मैं आपको फ्यूचर ईयर के भी क्वेश्चन कराऊंगा जो फ्यूचर ईयर में आने वाले हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो एनालिसिस कर रहा हूं, उसके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? चलिए, तो ए किसी काम का 40% 12 दिन में, तो यार हमें बताओ, आप कई तरीके से लिख सकते हैं, 40% अगर 12 दिन में, तो 100% कितने दिन में? अरे 100% मतलब इसका कितना गुना? ढाई गुना है कि नहीं? तो इसका भी ढाई गुना कर देंगे। इसका ढाई गुना करेंगे तो कितना? 12 × 30 होगा कि नहीं? अरे बोल दो, यस। इसका मतलब मेरे भाई, अगर किसी काम को ए को कराना हो तो कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। अच्छा, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो 40% का 2/5 भी लिख सकते हैं, और ये करता है 12 दिन में, तो पूरा काम एक काम कितने दिन में करेगा? तो आप 5/2 से कर दीजिए, तो कितनी बार में आ जाएगा? 30 बार में। कोई डाउट नहीं है, ठीक। बी उसी काम के 60% काम को 15 दिन में, बी जो है 60%, तो 60% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, और ये कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा? तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार में, और ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। इसका मतलब बी करेगा 25 दिन में। बात क्लियर है? चलिए, ए करेगा 30 दिन में पूरा काम, बी करेगा 25 दिन में पूरा काम, ठीक है? दोनों ने 10 दिन तक काम किया है, और सी कार्य को शेष काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी उस काम का 28% का भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? मैंने आपको एलसीएम लेने का तरीका सिखाया, देखिए। इस 5 में क्या है? इस 25 में 2/5 है, 1/5 तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, 1/5 और ले जाके गुणा कर देंगे, तो 30 × 25 150 कितना हो जाएगा? 150। इसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 5, और इसकी क्या हो जाएगी? 6। इतनी सी बात में किसी को डाउट है? नहीं है। ए की इफिशियंसी हो गई 5 और बी की इफिशियंसी हो गई 6। दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया 10 दिन तक, ठीक है? तो 10 दिन तक कितना काम करेंगे? 6×5 = 11। एक दिन में 11 काम होगा, और अगर इन्होंने 10 दिन तक काम किया है तो 110 काम कर देंगे। अरे होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो भाई 110 काम अगर हो जाएगा तो कितना काम शेष बचेगा? 40। आप यहां से समझिए, अगर 110 काम हो जाएगा तो कितना काम बचेगा? 40। और इसी 40 काम को सी 4 दिन में करता है। जो बचा हुआ काम है, जो रिमेनिंग वर्क है, उसको सी 4 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी कहने का मतलब, सी अगर 4 दिन में 40 काम करता है, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे सर एक दिन में करेगा 10 काम। एक दिन में कितना करेगा? 10 काम। तो ये एक दिन में इफिशियंसी निकल गई सी की। सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 10। और ए की पहले दिया है 5 और बी की दिया है 6। अब ये पूरा काम नहीं पूछा गया, इसका 28% काम।
तो ध्यान दीजिए, अगर पूरा काम 150 है तो इसका 28% होगा, 28/100, यानी करना है इतना काम आपको, करना है इतना काम, तो ये आपको इतना काम करना है। और इफिशियंसी क्या हो गई एबीसी की, ए की 5, बी की 6 और सी की कितनी 10, तो 10, 6, 16 और 5, 21, तो 21 से हम भाग दे देंगे, तो 7 से 3 बार में और 7 से 4 बार में, ये 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, 3 से कैंसिल आउट होगा और 2 से क्या कर लेंगे 2 से। इसका मतलब ए बी और सी उस काम का 28% पार्ट 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है CHSL 2018 में सवाल पूछा गया, आप वीडियो को पॉज करिए और फिर सॉल्व करिए। ठीक है, ए 9 दिन में 2/5 भाग पूरा करता है, तब उसके साथ बी जुड़ जाता है और उन्होंने शेष शेष काम को 6 दिनों में पूरा कर लिया, बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल बहुत आसान है, दिया है ए 9 दिनों में 2/5 काम पूरा करता है, यानी कि ए जो है 9 दिन में 2/5 भाग पूरा करता है और उसके बाद बी जुड़ जाता है। जब वो 2/5 भाग पूरा कर लेता है तो बी जुड़ जाता है, और जब ये दोनों मिलके बचा हुआ काम अगले 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो सवाल पूछा गया है कि बी अगर उस काम को अकेले करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत आसान है, मैंने कहा कि दो चीजें होना जरूरी है, एक तो टोटल वर्क हमें कितना काम करना है और हमारी इफिशियंसी क्या है। ध्यान दीजिए, अगर 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे सर इधर गुणा कर लीजिए, इसका मतलब ए 45/2 दिन में पूरा काम कर लेगा, कोई डाउट है नहीं है। और उसके बाद इतना काम करने के बाद बी आ जाता है, तो जब 2/5 भाग आप पूरा कर लेंगे तो कितना काम बचेगा, तो 3/5 ही तो बचेगा। बताइए, अगर आप 2/5 भाग पूरा करते हैं तो कितना बचेगा, 3/5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बिल्कुल अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक काम में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3/5 काम। और इस 3/5 काम को A+B, अब दोनों मिल गए, अगले 6 दिन में समाप्त कर देते हैं, कितने दिन में, 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 10 दिन में। यानी मैं ये कह सकता हूं कि A+B अगर करें तो ये काम 10 दिन में हो जाएगा, कोई डाउट है, मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। तीन बचे हुए 3/5 भाग को 6 दिन में करते हैं कौन, A+B, मैं फिर से समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। A+B बचे हुए काम को अगर 6 दिन में करते हैं, यानी कि 3/5 काम को 6 दिन में करते हैं, अगर मैं पूछूं कि A+B पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो आप इसको गुणा कर देंगे, तो पूरा काम कितने दिन में, 10 दिन में। अब सवाल ऐसा हो गया कि ए 45/2 दिन में, और अगर A+B दोनों करते हैं तो 10 दिन में, तो इसका एलसीएम आप लेंगे क्या हो जाएगा, 90, 90 इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और यहां क्या हो जाएगा, 9। बात क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब ए की इफिशियंसी 4 है और A+B की जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो 9 है। ए की कितनी दे रखी है, 4, और A+B की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 9। सवाल आपसे पूछा गया है कि बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो भाई काम करना है आपको 90, और बी की इफिशियंसी क्या निकल गई, अगर ए की 4 है और A+B दोनों की 9 है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बी की 5 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, बी की कितनी होगी, 5 होगी, तो टोटल काम को इफिशियंसी से भाग देंगे, इसका मतलब अगर बी को टोटल काम कराना हो तो 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। अगर मान लीजिए आपके पास 90 रोटी है और आप एक दिन में बी 5 रोटी खाता है, इसका मतलब 18 दिन चलेगा, कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंबाइंड इफिशियंसी पे सवाल दिया गया है, देखते हैं कौन स्टूडेंट सॉल्व करके बताते हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करिए, पहले दिया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी कैन द सेम वर्क इन 16 डेज, बी और सी अगर वही काम करें तो 16 दिन में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया,
और सी 13 दिन में सी इस काम को कंप्लीट कर दिया, तो सी अकेला उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा? बहुत आसान है। देखिए सवाल बहुत आसान है, ए और बी जब साथ काम करते हैं, ए और बी देखो मेरे भाई, ए और बी अगर ये साथ काम करें तो काम समाप्त होगा 12 दिन में, और अगर इसी काम को बी प्लस सी करें तो काम होगा समाप्त 16 दिन में। इतनी सी बात में किसी को डाउट है तो बोलिए, नहीं है तो हमें चाहिए टोटल वर्क, तो टोटल वर्क हम निकाल लेंगे एलसीएम, तो 12 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 48। अब सवाल ये दिया है कि ए ने किया इस पे 5 दिन काम, कितना दिन काम? 5 दिन काम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिए, ए ने किया इस पे 5 दिन वर्क और उसके बाद बी आया और उसने किया 7 दिन वर्क, ठीक है, और इसके बाद सी जो बचा हुआ काम है उसको 13 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ये बात क्लियर है? मेरी बात फिर से सुनिए, ए प्लस बी अगर साथ में होंगे तो काम 12 दिन में, बी प्लस सी साथ में होंगे तो 16 दिन में। हमने इनका एलसीएम लिया 48, ए ने इस पे 5 दिन काम किया है और बी ने इस पे 7 दिन काम किया है, उसके बाद जो बचा काम है वो सी करता 13 दिन में। यार हमें बताइए आप यहां से इफिशियंसी ए और बी की निकाल सकते हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 4 और इसकी कितनी होगी 3। अब आपको ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी पता है, बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी पता है, इंडिविजुअल ए बी सी की एफिशिएंसी में तो पता ही नहीं है, है कि नहीं है? तो मेरी बात आप ध्यान से समझिए, अगर मैं 5 दिन इसके साथ काम करा देता हूं, देखो साथ साथ रहने में ही भलाई है, साथ साथ रहने में ही फायदा है, क्योंकि जीवन तो हमारा ऐसे भी बीतना है, तो जुदा होके क्यों रहना? देखो ये 7 दिन भी अलग काम क्यों करेगा, इसको इसके साथ मिलाप करा देते हैं, क्योंकि दो लोगों का मिलन करा देते हैं मेरे भाई। तो ए प्लस बी को क्या करते हैं, 5 दिन अगर साथ साथ काम करें, मेरी बात फिर से समझिए, ये 7 दिन अलग काम करता है, ये 5 दिन अलग काम करता है, तो अगर ये 5 दिन ए के साथ मिल जाए तो कितना दिन बचेगा? 2 दिन। अब बी प्लस सी को हम एक साथ मिला देते हैं, बी प्लस सी को हम एक साथ मिला देते हैं 2 दिन, तो फिर सी क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा, और कितने दिन काम करेगा? 13। मेरी बात फिर से सुनिए, ए अगर 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, अगर ये 5 दिन इसके साथ काम करता तो फिर कितना दिन बचता? 2 दिन, और 2 दिन सी बी के साथ काम करता, तो बी प्लस सी 2 दिन करेंगे, तो चूंकि सी 13 दिन काम कर रहा है तो सी कितना दिन करेगा? 11 दिन और करेगा। अब हमने ऐसा क्यों किया? आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सर आपने क्यों इनको एक साथ लिया, तो देखिए स्टूडेंट हमने इसलिए साथ लिया कि हमें ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी 4 पता है, बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी पता है, लेकिन इंडिविजुअल ए बी सी की नहीं पता है, इसलिए हमने ए बी को साथ ले लिया और बी प्लस सी को साथ ले लिया, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, बात क्लियर है? देखो ए प्लस बी अगर एक दिन 5 दिन काम करेंगे तो काम कितना हो जाएगा? 5 × 20 काम होगा कि नहीं बताओ? अरे ए प्लस बी एक दिन में करते हैं 4 काम, तो 5 दिन में कितना करेंगे? मैं यहां दिन लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में कितना काम? 20। और बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 2 दिन काम करते हैं, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ये कितना करेंगे? अगर हम इसको करें तो ये 6 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 26 काम कंप्लीट हो गया। कितना काम कंप्लीट हो गया? 20 और 6 26। तो जब 26 काम कंप्लीट हो गया तो बचा कितना काम? 22 काम। कितना काम बच गया? 22 काम। टोटल करना था 48, 20 और 6 26 हो गया। अब जो बचा काम है वो 11 दिन में कंप्लीट करता है, तो यार हमें बताइए अगर 11 दिन में ये 11 दिन में 22 काम करता है और अगर सी अकेले कुल काम करे, यानी कुल काम का मतलब 48 काम, तो कितना लगेगा? 11 का कितने गुना? 2 गुना। तो इसका मतलब 48 का 2 गुना क्या होगा? इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं 24 दिन। अरे बात क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब कि अगर यही काम सी अकेले करे तो कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। बात क्लियर? ठीक है, आप समझ पाए हैं? जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए मैं उनको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए हमको ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी पता है तो हमने ले लिया 5, और बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी पता था हमने ले लिया 2, और सी क्या होगा? 11। अब ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 है तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। और इनकी कितनी है? 3, हो जाएगा 6। तो टोटल काम 26 हो गया। अब बचा कितना? 48 में से अगर आप 26 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 22। और इसी 22 काम को सी करता है 11 दिन में, 22 काम को सी करता है 11 दिन में, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अगर इसे पूरा काम 48 करना हो
तो इसे अकेले कितना दिन लगेगा? 24 दिन। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा भी डाउट होगा मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, वो भी CGL 17 मेंस में पूछा गया अलग शिफ्ट में, तो आप वहां से चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, अलग शिफ्ट में पूछा गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी काम को एक साथ करने में 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं और बी प्लस सी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने 15 दिन काम किया और बी ने 25 दिन काम किया, सी बचे हुए काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? बिल्कुल सेम सवाल है, ये भी CGL 2017 मेंस में सवाल पूछा गया है, तो हमें उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाएंगे। पहले तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं इसे? 30 दिन में। और बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं भाई? तो 40 दिन में। तो आप यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क क्या होगा? LCM 120। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और इनकी हो जाएगी 3। बात क्लियर है? अब सवाल ये दिया है कि ए करता है 15 दिन 15 डेज और बी करता है 25 दिन। कितने दिन? 25 दिन। और सी बचे हुए काम को 30 दिन में करता है। ये डी का मतलब आप लोग डे समझिएगा, डी मतलब डेज। बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए कि यार हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो पता है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता है, लेकिन इंडिविजुअली ए बी एंड सी की एफिशिएंसी आई कैन नॉट डिटरमाइन, मैं नहीं बता सकता, ज्ञात नहीं कर सकता। तो हम ये कर सकते हैं कि इस ये जो बी 15-25 दिन काम कर रहा है, 15 दिन में इसके साथ शिफ्ट कर देता हूं, तो मैं ऐसा ले सकता हूं कि ए प्लस बी अगर 15 दिन काम करें तो इसका कितना बचेगा? बी 10 दिन बचेगा ना, तो बी प्लस सी का हम 10 दिन ले लें, और अगर ये 10 दिन इसके साथ काम करेगा तो ये कितना? इसका सिर्फ 20 दिन बचेगा। अरे बताइए, ए प्लस बी 15 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करते हैं 4 काम, तो 15 दिन में 15 × 4 = 60 काम। बी प्लस सी करते हैं 3 काम, तो 10 दिन में कितना? तो आप कहेंगे सर 30 काम, कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब 90 काम तो हो चुका। अरे 60 + 3 90 काम तो हो चुका। अगर 90 काम हो चुका तो कितना काम बचा? 30 काम। और इसी बचे हुए 30 काम को सी जो है कितने दिन में करता? 20 दिन में। 20 दिन में कितना करता? 30 काम। कितना काम? 30 काम। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? तो आप कहेंगे 3/2 काम, या मैं ये भी लिख सकता हूं 1.5, यानी सी की एफिशिएंसी निकल गई 3/2। और अगर पूरा काम करना हो 120 काम, तो कितने दिन लगेंगे? तो आप यहां लिख सकते हैं 2 पलट के ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 80 डेज। बात क्लियर है? मैं ये चीजें इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए, क्योंकि जो स्टूडेंट कुछ नए भी हैं और कुछ पहले से पढ़े हुए हैं, तो देखिए हमको सबको लेके चलना है, क्योंकि सबका साथ होना चाहिए, सब तभी सबका विकास होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? बाकी आपको पेपर में लिखने का इतना पार्ट नहीं है, जब आपके एग्जाम में आएगा सवाल ये, तो देखिए पेपर का अप्रोच क्या होगा मैं बता रहा हूं। एग्जाम में आपको कितना करना है? सिर्फ इतना करना है, ध्यान दीजिए मैं एग्जाम का बता रहा हूं, एग्जाम में कितना आपको करना था। जैसे आपने देखा कि भाई 15 दिन हमें ए प्लस बी का काम करना है, तो 15 × 60, और 10 दिन काम कराना बी प्लस सी के साथ, तो 10 × 30, तो ये हो गया 90। तो 90 को जैसे मैं घटाऊंगा, घटाने की भी क्या जरूरत, आप तुरंत समझ जाएंगे कि 30 काम बचेगा, और इस 30 काम को ये अगले 20 दिन में कर रहा है। इस 30 वर्क को ये 20 दिन में कर रहा है। अगर काम टोटल 120 हो, 120 वर्क हो, तो कितने गुना है? 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर देंगे, इसका मतलब 80 डे। तो डायरेक्ट लगा सकते हैं पेपर में। मैं तो इसलिए समझा रहा हूं ताकि वो स्टूडेंट भी समझे जो नए हैं। बात क्लियर है? नहीं तो कहेंगे सर ये तो जसप्रीत बुमराह का बाउंसर निकल गया, हमको हवा ही नहीं लगा। बात समझ गए? नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। सीपीयू 2017 में सवाल ये पूछा गया है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में हुआ। याद करें कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। यदि ए और बी अकेले अकेले इस काम को 25 और 40 दिन में क्रमशः कर सकते हैं। बात क्लियर है? मैं एक बार आपको सवाल फिर से समझा रहा हूं। ए और बी अगर अकेले काम करते हैं तो काम 25 दिन और 40 दिन में पूरा हो जाता है। इन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। ए क्या हो गया? बेवफा हो गया, ठीक है।
और पूरा काम कितने समय में पूरा हो गया? 24 दिन में पूरा हो गया। तो बताना है कि ए ने कितने समय के बाद बेवफाई की, मतलब कितने देर के बाद छोड़ गया। अरे आप समझ रहे हैं कि नहीं? अरे बातों को समझो, भावनाओं में क्या रखा है। चलो ध्यान दो, अगला ए कितने दिन में करता है भाई? 25 में। और अगर बी अकेला करे तो कितने दिन में कर सकता है? 40 में। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए? इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 200। ध्यान दो, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे आप? मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए। आप पहले तो आप बड़े नंबर को एलसीएम ले लीजिए, है कि नहीं है? लेकिन बड़ा नंबर एलसीएम तभी होगा जब इस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो 25 से एग्जैक्टली डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्यों नहीं होगा भाई? तो हमने देखा कि यार 25 में 2 5 है, 1 5 तो इसमें ऑलरेडी है, दूसरे 5 की कमी है, तो लाके गुणा कर देंगे, बात खत्म। अरे मैं आपको बहुत बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको एलसीएम में, सिर्फ आप गोली की तरह सवाल को लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो इसकी इफिशियंसी कितना हो गया? 25/200 और 40/200। ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी 8। दोनों ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है और ए ने कुछ दिन के बाद दिया नहीं, कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, और पूरा काम कितने दिन में हुआ? 24 दिन में। इसका मतलब बी बेचारा 24 दिन तक तो कंटिन्यू काम करता रहा है कि नहीं? तो 24 दिन में कितना काम करेगा? 24 5 120, बताइए, 120 काम इसका मतलब बी ने किया। तो अगर 120 काम बी ने किया तो जो बचा काम 80 वो कौन किया होगा? ए किया होगा। और ए एक दिन में करता है 8 काम, इसका मतलब कि 10 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया था। कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ए बी और सी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी ने 16 दिन तक काम किया, कितने दिन तक? 16 दिन तक। उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया और बी और सी ने शेष काम को 40 दिन में पूरा किया। तो एक बात समझिए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी काम को 40 दिन करते हैं, इसका मतलब इसको भी 40 दिन करना पड़ेगा, इसको भी 40 दिन करना पड़ेगा, इसको भी 40 दिन करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 16 दिन काम किया और काम ए ने छोड़ दिया, यानी तीनों ने 16 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ए ने कितने दिन काम नहीं किया? तो आप कहेंगे सर ए ने 24 दिन काम नहीं किया, क्योंकि 16 दिन के बाद वो चला गया, है कि नहीं है? तो अगर ए के 24 दिन का काम बचा हुआ था, वो बी प्लस सी कितने दिन में किए? 16 दिन में। बताइए कोई डाउट है किसी को? मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर ए प्लस बी 40 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इन्होंने 16 दिन तक काम किया है, तो 16 दिन तक तो काम कर लिया है, इसका मतलब अब इसको भी 24 दिन करना था, इसको भी 24 दिन करना था, और इसको भी 24 दिन ही काम करना था, लेकिन ये चला गया। यानी ए ने 24 दिन काम नहीं किया, इसलिए बी प्लस सी को 24 दिन नहीं अब 40 दिन करना पड़ा। तो 40 दिन 24 दिन के जगह अगर 40 दिन करना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि 16 दिन ज्यादा। तो यानी ए के द्वारा 24 दिन में जो काम होता वो बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? तो 16 दिन में। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अच्छा सवाल है, तो आप निकाल सकते हैं ए और बी प्लस सी की इफिशियंसी क्या निकल जाएगी? 2/3। कोई डाउट नहीं है? आप इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, यानी ए की इफिशियंसी है 2 और बी प्लस सी की कंबाइंड इफिशियंसी है 3। हमने आपको कहा था कि आप टोटल काम कितने दिन में होगा वो आप तभी बता सकते हैं जब आपको टोटल वर्क पता हो कि कितना काम करना है और कितना हमारी इफिशियंसी है। तो टोटल वर्क हम निकालते हैं या तो एलसीएम लेके, लेकिन यहां एलसीएम नहीं ले सकते, यहां तो ऑलरेडी इफिशियंसी दिया है, बात को ध्यान से समझिए। वहां हम टोटल वर्क निकाल के इफिशियंसी निकालते हैं, यहां इफिशियंसी से हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो अगर ए की इफिशियंसी 2 है और बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है, तो सबकी मिला के कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की 5। और अगर ये 40 दिन में काम को पूरा करते हैं, इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा? 200। अरे इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा मेरे भाई? 200। अब सवाल दिया है कि अगर इस टोटल काम को अकेला ए करे तो कितने दिन में करेगा? ए की इफिशियंसी है 2 और अगर इसको 200 काम करना पड़े तो इसे कितने दिन लगेंगे? 100 दिन। कोई डाउट? बहुत अच्छा सवाल है, सीपीओ के पेपर में पूछा गया 2018 में, ठीक है? अच्छा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे।
अगर आप नहीं समझ पाए होंगे तो अभी आपको बादाम खाने की जरूरत है, ठीक है? तो आप ऑर्डर दीजिए और पहले बादाम खाइए, ठीक? अरे है कि नहीं है, बादाम बादाम खाते रहो, माइंड आपका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, जब अब मैं आपको ऐसा सवाल कर रहा हूँ जैसे कोई काम से पहले छोड़ के चला जाता है ना, जैसे आपने देखा होगा कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी किसी काम को पूरा होने से इतने दिन पहले, काम से पूरा होने से इतने दिन पहले, मैं उस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल ले रहा हूँ जो सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, है ना? चलिए देखिए, सवाल दिया गया कि ए बी और सी किसी काम को 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16, 32 एंड 48 डेज रिस्पेक्टिवली। ए कितने दिन में कर सकता है मेरे भैया? 16 दिन में। और बी कितने दिन में कर सकता है? 32 दिन में। और सी कितने दिन में कर सकता है? 48 दिन में। अगर ये काम अकेले अकेले करें तो टोटल वर्क आप जानते हैं कि हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना होगा? 96। तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 6 और बी की हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2। यानी ए की इफिशियंसी 6, बी की इफिशियंसी 3 और सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2। है कि नहीं है? अब ध्यान दीजिए, सवाल दिया है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम को छोड़ दिया। तो ए अगर 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, और सी क्या हुआ? और सी काम पूरा होने से 6 दिन पहले। जैसे मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। देखिए, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, यहां मान लीजिए काम की स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां काम का फिनिशिंग पॉइंट है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, ठीक है? यहां तीनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया और 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन के बाद ए क्या काम को छोड़ दिया, और जब काम पूरा होना था उसके 6 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। यही बात है ना? यानी 6 दिन पहले कौन काम छोड़ दिया? सी। तो भैया इसका मतलब, अच्छा ये सॉरी, ये ए नहीं है, ये बी है। कौन है ये? ये बी है। बी ने 8 दिन पहले काम छोड़ा है और सी ने 6 दिन पहले छोड़ा है, या 8 दिन बाद छोड़ा है, 6 दिन पहले। इसका मतलब आखिरी तक कौन जाता है? ए। आखिरी तक कौन जाता है? ए जाता है। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ही दूंगा, उसके बाद में बताऊंगा आप उसको जल्दी कैसे कर पाएंगे पेपर में, ठीक है? ध्यान दीजिए, आपको पता है कि बी 8 दिन के बाद काम छोड़ देता। मैं इसको रफ करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। कोई भी चीज क्यों है इसका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो इससे आप कभी भी पेपर में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप पेपर को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। अभी इसके बाद मेरी कुछ कैलकुलेशन की वीडियो भी आने वाली है, तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे किया जाएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं आपको कैलकुलेटर बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा। मैं इतनी बात बताऊंगा आपको कि जो पेपर में आते हैं उसका कैलकुलेशन दूंगा। अभी मेंस है, मेंस की मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। यार यहाँ बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा और बहुत जल्दी उसकी वीडियो में लेके आने वाला हूं कि अगर कोई लड़का बेसिक स्टार्ट कर रहा है उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और कोई बच्चा अगर मेंस दे रहा है उसकी प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सारे जो सिलेक्शन के एक्सपीरियंस हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी वीडियो आपको जल्द मिलेगी, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। देखिए, इन्होंने काम को एक साथ स्टार्ट किया है और बी ने क्या किया? 8 दिन के बाद छोड़ दिया। तो यार अगर ये काम छोड़ दिया 8 दिन के बाद, तो इसका मैं पहले आपको बेसिक बता दूं, फिर इसने कितने दिन काम किया? 8 दिन। तो एक दिन में करता है 3 काम, तो 8 दिन में कितना करेगा? 8 × 3 = 24 काम। अगर मैं मान लूं कि काम एक्स दिन में कंप्लीट हुआ, कितने दिन में? एक्स डेज में कंप्लीट हुआ, मैं ऐसा मान लेता हूं एक बार। मैंने मान लिया कि जो काम है वो एक्स दिन में कंप्लीट हुआ। ये बेसिक है, आपको ऐसे पेपर में नहीं करना है, लेकिन एक बार सीख तो लीजिए। अगर इसने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया है और सी ने क्या किया? 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब इसने एक्स माइनस 6 दिन ही काम किया, और एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो टाइम गुड़े इफिशियंसी बी का काम, टाइम गुड़े इफिशियंसी सी का काम, और ए की इफिशियंसी कितनी है? तो 6 है, और इसने एक्स दिन तक लगातार काम किया है। कोई डाउट है इतनी सी बात में किसी को? और ये सारा काम मिला के कितना हो रहा है? 96।
बात क्लियर है? चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा 24, और यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x माइनस 12 प्लस का 6x बराबर का 96। ये 24 को मैं उधर ले जाता हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखिए इस 24 को उधर ले जाऊंगा और इसको जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 6 और 2 8x। ये 24 उधर ले जाऊंगा तो 96 में 24 जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। अरे इसका 24 का एक चौथा पार्ट है तो 3 पार्ट बचेगा, 24 या 72। ये उधर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको इतनी सी बात यहां समझाना चाहता हूं, बस इतनी सी बात कि 8x और ये जो 72 प्लस 12 हो रहा है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना कि 12 प्लस क्यों हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ x के लिए सॉल्व करेंगे तो 84 हो जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 दिन। लेकिन यार क्या ये पेपर का अप्रोच है? अरे क्या ये मेंस का अप्रोच है? क्या ये सिलेक्शन, क्या आप इससे इंस्पेक्टर बन लेंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक है, मैंने कहा कि मैं वादे नहीं इरादे लेके आया हूं आपको इंस्पेक्टर बनाने के। चलिए ध्यान दीजिए इधर, अब मेरी बात समझिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पेपर में कैसे करना है। पेपर में आपको कैसे करना है कि बी ने 8 दिन के बाद काम छोड़ दिया, इससे इतनी सी बात हुई कि बी अगर 1 दिन में 3 काम करता है तो 8 दिन में 24 काम किया और चला गया। इतनी सी बात क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं कि बी ने 24 काम किया और उसके बाद चलता बना, कोई डाउट? इतनी सी बात में किसी को डाउट हो तो बताइए। बी ने 24 काम किया 8 दिन में, क्योंकि 1 दिन में करता है 3 काम। अच्छा, जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं अब तो समझ रहे हैं, ये कितना 8 दिन में और 1 दिन में 3 काम बी करता है, इसका मतलब बी ने 24 काम किया और चला गया। तो अब काम बचा कितना, 72। अब ध्यान दीजिए, अब यहां से एक और बात समझिए। अब बी चला गया, अब कौन बचा, सी। सी क्या करता है, काम जब पूरा, मान लीजिए अगर काम यहां पूरा होना था, यहां पूरा होना था, वो 6 दिन पहले ही छोड़ दिया। अगर ये लास्ट तक काम करता, ध्यान दीजिए, अगर इसी को मैं लास्ट तक जबरदस्ती काम करवाऊं, कहूं कि नहीं जाना है, तुम कहां जा रहे हो हमें छोड़ के, सी कहां, अगर इसको मैं लास्ट तक काम करवाता हूं 6 दिन और, तो कितना काम कर देता, 12 काम। कितना काम कर देता, 12 काम। 12 काम सी और कर देता तो कितना हो जाता, 84। और ए तो बी तो चला गया है तो काम कौन करेगा, ए और सी, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 2 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5। अब मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, आप बात को समझिए। जो पहले जाता है उसके काम को घटा दिया जाता है, और जो काम खत्म होने से 2 दिन पहले 4 दिन पहले 5 दिन पहले छोड़ दिया, उसके काम को हमने जोड़ दिया और उसको लास्ट तक काम करवा दिया। बात क्लियर? यानी हमने उसके 6 दिन में किए गए काम को जोड़ दिया और सी को लास्ट तक काम करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। नहीं समझ पा रहे, देखिए मैं एक सवाल और ले ले रहा हूं ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ये छोटी सी लैंग्वेज है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, आप समझ लेंगे। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो स्टूडेंट बिल्कुल लिखना चाहते हैं वो लिख लें। ए किसी काम को 20 दिन में करता, इतनी सी बात दी गई है, और ये भी दिया गया है कि बी उस काम को 30 दिन में करता, ये 2 चीज दिया गया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है, मेरी बात आप समझिए। तो यहां से क्या दिया है, सवाल दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। उसके बाद दिया गया ए एंड बी स्टार्ट द वर्क, ए और बी दोनों ने काम एक साथ स्टार्ट किया और ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या कहा कि मैं इसको एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम कितना होगा, 60।
एक इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 2। बात क्लियर है? ठीक है। इन्हें क्या किया, 3 दिन पहले काम छोड़ा। कितने दिन पहले? 3 दिन। यानी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ेगा। इसका मतलब कि अगर इसको मैं कहूं कि तुमको छोड़ के नहीं जाना है तो 3 दिन और काम करेगा। 3 दिन में कितना काम करेगा? 9। तो मैंने मान लिया कि टोटल काम 69 होगा। कितना होगा? 69। अब दोनों को लास्ट तक काम करना, तो 5 से भाग दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 13 × 5 = 65। बात क्लियर हो पाई? यानी कि काम कब समाप्त होगा? 13 × 4/5 days में। बात क्लियर है? ठीक है। यानी कहने का मतलब, जो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले 4 दिन पहले छोड़ेगा, उसके काम को जोड़ दिया जाएगा और उसको लास्ट तक काम कराया जाएगा। मैं कुछ और क्वेश्चन लूंगा अगले वीडियो में, तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और भी क्वेश्चन मैं लूंगा। मैंने कहा कि मैं सब कुछ यहां प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। मैं आपको सारी चीजें यहां प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो आप बस पेशेंस बनाइए और सीखते जाइए। क्वेश्चन हमारा सीजीएल प्री 2018 का है, आपको दिख रहा होगा, आप नोट करिए। दिया है क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं। ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं और 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 46 दिन में हुआ। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए अकेले 50% काम पूरा करेगा। आसान सवाल है, सीजीएल प्री 2018 में पूछा गया है। दिया कि ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ शुरू कर सकते हैं और बी ने 31 दिन के बाद काम छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब, बी को अभी भी 9 दिन और काम करना चाहिए था। भाई आप फिर से समझिए, ए और बी अगर किसी काम को 40 दिन में करें तो ये भी 40 दिन, ये भी 40 दिन, लेकिन इसने 31 दिन के बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब इसको 9 दिन काम और करना चाहिए था। या मैं ये भी कह सकता हूं कि बी के द्वारा किया गया 9 दिन का काम, और अब काम कितने दिन में पूरा होता? 46 दिन में। तो ए को 6 दिन फालतू करना पड़ रहा है। इतनी ही तो बात है, इतनी ही तो बात है कि भाई बी ने 31 दिन किया, 9 दिन काम नहीं किया। इसका मतलब बी के द्वारा 9 दिन का किया गया काम, और जो काम अब 40 दिन में पूरा होना था वो काम 46 दिन में हुआ। इसका मतलब ए ने आगे 6 दिन करना पड़ा। तो मैं यहां से ए और बी की इफिशियंसी ले सकता हूं, क्या हो जाएगा? 3/2। तो टोटल वर्क निकल जाएगा, तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगी 5, और 40 दिन में पूरा करते तो टोटल वर्क कितना हो गया? 200। ये क्या निकल गया? 200 टोटल वर्क। अब सवाल दिया है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए 50% काम को पूरा करेगा। तो ये तो टोटल वर्क है, 50% काम क्या होगा इसका? आधा, 100। अरे इसका 50% क्या होता? आधा। और ए कितने दिन में पूरा करेगा? 3 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? 33:1/3 days। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इससे फायदा हुआ हो, अगर आपको लगा है कि हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।